इटखोरी प्रखंड के एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान भद्रकाली महाविद्यालय में भूगोल विभाग के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रबुद्ध समाजसेवी देव कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी पवन कुमार शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न समस्याओं एवं उनसे उत्पन्न खतरों पर विशेष रूप से चर्चा की। कार्यक्रम में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर छात्र छात्राओं ने अपने आलेखों को पढ़ा। प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर ने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि विश्व समुदाय के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के वैश्विक स्तर पर ठोस एवं कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। विषय प्रवेश करते हुए भूगोल विभाग के पंकज कुमार ने बताया कि आज समस्त विश्व इसकी चपेट में है। वैश्विक स्तर पर विश्व समुदाय द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए ठोस एवं कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों पर चर्चा करते हुए अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप एवं ओजोन परत में होने वाले परिवर्तन जैसे इन खतरों से विश्व मानव को कैसे बचाया जा सकता है और कौन कौन से खतरे ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न हुए हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए उनके समाधान की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। ग्लोबल वार्मिंग से भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है और कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का सामना विश्व समुदाय को करना पड़ रहा है, यह वास्तव में आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन भूगोल विभाग के संदीप कुमार के द्वारा किया गया एवं समापन धन्यवाद ज्ञापन वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर महेंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया। इटखोरी से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। और दूसरा पश्चिमी समाजवादी देश अर्थात साम्यवादी देश, और ये दोनों के वर्चस्व के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विनाशकारी चीजें सामने आई, हिरोशिमा और नागासाकी पर सारे लोगों ने देखा, और उस त्रासदी को देखने के बाद विश्व पूरा कांप गया कि आखिर में विश्व का होगा क्या। जब दो बम परमाणु बम गिराए गए तो दो बम में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक दशक में जितने भी बच्चे वहां जन्म ले रहे थे सारे अपंग हो गए। विश्व के सामने एक समस्या आई, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने नाम सुना होगा। उसमें 1960 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में ये बातें आई कि विश्व के जितने भी देश हैं सारे लोगों को ये सोचना होगा कि ये समस्या का निदान कैसे होगा, किस चीज का वैश्वीकरण जिसको हमने, और समझने का भी प्रयास किए, बहुत कुछ सीखने में मौका मिला होगा। आपका विभाग जैसा कि मुख्य अतिथि के द्वारा कहा गया या मूल्यांकन किया गया कि आपका विभाग सर्वोत्तम रहा, इसीलिए सर्वप्रथम धन्यवाद के पात्र आप सब विद्यार्थी हैं और आपका विभाग होगा। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मुख्य अतिथि का जिन्होंने सबने बताया, लेकिन हमें एक पॉइंट पर बहुत जोर देना होगा, समस्या का समाधान पर फोकस करना होगा। शास्त्रों में कहा गया है चिकित्सा पाप गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा, पांच तत्वों से यह हमारा शरीर बना है और दुर्भाग्यवश हम इन्हीं पांच तत्वों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका कारण लोग बहुत बताते हैं, लेकिन मेरा यह विचार है इसका कैसे
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरो गैस, ये सब के कारण, ये सब बढ़ते के कारण पृथ्वी में औसत तापमान वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर इस वजह से अगर हम देखा जाए तो वायु जल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान होने बाद होने वाली बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग है। 1991 में जब जिनेवा में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो उस समय इस विषय पर वैश्विक समुदाय ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। और चिंता होगी क्यों नहीं, 1885 से लेकर के 2023 तक में जिस रफ्तार में वैश्विक तापांतर देखने को मिलता है, यह वास्तव में चिंता का विषय है। मानव ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले कई जीव जंतु हैं जिनका जीवन और उनका अस्तित्व संकटमय परिस्थितियों से घिर गया है। जितना नुकसान विभिन्न प्रकार के बमों के निर्माण से नहीं हो सकता है, उतना नुकसान इस वैश्विक तापमान से होगा। आज विश्व के विभिन्न देश युद्ध की आकांक्षा और लिप्सा में संलिप्त होकर हथियारों की होड़ में दौड़ पड़े हैं। उन्हें क्या पता है कि प्रकृति के साथ उन्होंने जो छेड़छाड़ की है, प्रकृति के साथ जो उन्होंने क्रूर मजाक किया है, उसका प्रभाव